राधे राधे गाय, जाइए हम आपको प्रसाद बनाने का स्वागत है। गाय, तो आप अक्सर जानते हो कि कल जन्माष्टमी है, तो कल तो जन्माष्टमी है गाय, कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, पर मैंने आज से ही लगे हुए हैं कुछ आपको दिखा रहे हैं कि आप घर पे कृष्ण भगवान का चूरन बहुत ही खाटू का श्याम बाबा, जो हम लोग कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं, लोग मारवाड़ी लोग खाटू बाबा का नाम से भी जानते हैं, तो मैंने आपको दिखाने जा रही हूँ कि उनका प्रसाद आप किस तरीके से बनाओगे। तो ये गाइस देखिए, मैंने तो आपको दिखाने जा रही हूँ, कृष्ण भगवान को तो चूरन बहुत ही पसंद है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बनाकर आपको दिखाऊंगी कि ये चूरन किस तरह आप घर पे बना सकते हो। तो गाइस देखिए, ये मैंने आपको दिखा रही है, ये मैंने कम से कम 100 ग्राम धनिया ली है, ये साबुत धनिया है। आप इसको तो मार्केट में आसान तरीके से मिल जाएंगे, तो आप इसको ले आइए, और ये मैं धनिया को फिर आपको इसको पीस कर दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरे किशमिश है, कम से कम 50 ग्राम किशमिश है। और ये मेरे देखिए काजू है, कम से कम 20 पीस काजू है मेरे पास। और ये देखिए मैंने अभी चीनी ली हूँ, इसको मैंने भूरा बना लूँगी मिक्सर में पीस कर। ये देखिए मेरे कम से कम 150 ग्राम चीनी है, तो इसको मैंने चूरन में मिलाऊंगी। ये आप जो देख रहे हैं खसखस, खसखस का दाना है, ये मार्केट में बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस तरह से ली है। और ये देखिए ये पिस्ता बादाम मैंने इस तरह से लिए हैं, और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लूंगी। और ये देखिए मैंने काजू को भी काट लूंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस धनिया को मिक्सर में पीस कर, इसको महीन करके अब आपको बताती हूँ। तो गाइस मैंने देखिए इस तरह से धनियों को बारीक होकर पीस ली है, इनका चूर्ण बना ली है एकदम महीन, और ये देखिए पीस ली है। देखिए इस तरह से इसको एकदम महीन कर ली है पीस कर, और ये मैं चीनी भी पीस ली है, इनका देखिए भूरा तैयार कर ली है चीनी का, घर पे आसान तरीका से मैंने इसको मिक्सी में कर। गाइस यदि अगर ये धनिया तो पिसाने में बहुत ही मुश्किल होते हैं, पर अगर नहीं आपको मिक्सर में पिसा रही है तो इसको हल्का सा गर्म कर लें, अगर इसको कढ़ाई में गर्म कर लें, उसमें घी ना डालें, और इसको गर्म करके आप आराम से एकदम मिक्सर जार में डालकर पीस लीजिए, एकदम आसान से पिसा जाएगी आपको धनिया। देखिए मेरी इस तरह से पीसी हुई है। आइए हम आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने इस कढ़ाई को गर्म कर ली है, और इनको अच्छी तरह से मैंने देखिए ये इसको साफ कर ले रही हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से ये मेरे कढ़ाई गर्म हो चुकी है, और ये मैंने ये एक चम्मच देसी घी, ये पारस का घी मैंने ली है, और इसमें देखिए ये कढ़ाई में मैंने डाल दी है गर्म होने के लिए इस तरह से। और इसमें मैं क्या करती हूँ, ये देखिए मैं काजू भून लेती हूँ इसमें, ये देखिए मेरे काजू हैं, इनको अच्छी तरह से मैंने तल ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन तक मैंने इसको भून लेती हूँ। की है ज्यादा इसको भूनना नहीं है, क्योंकि कलर अच्छा है इसका। देखिए इस तरह से आप भून लो, और उसके बाद मैं देखिए ये मेरे किशमिश है, मैंने किशमिश को भी इस तरह देखिए किशमिश को एकदम कम फ्लेम पर भूनना है, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी भून जाते हैं। देखिए मैंने इस तरह से किशमिश को भी भून लिया, मेरा किशमिश भी तैयार हो चुकी है। देखिएगा मैंने किशमिश को भी इस तरह से भून ली है, बादाम है ये, पिस्ता बादाम है, तो इसको भी मैं इसमें भून ले रही हूँ। देखिए ये कृष्ण भगवान का बहुत ही बेस्ट और बहुत ही टेस्ट प्रसाद है, तो मैंने नियम से बना। देखिए मैंने ये बादाम को भी अच्छी तरह से इसमें भून ली है, अब मैंने इसमें खसखस का दाना भी भूनूंगी। ये मेरे देखिए अब खसखस का दाना है, मैंने देखिए ये बादाम को भी ब्राउन हल्का ब्राउन तक भून ली है, और ये मेरे खसखस का दाना है, तो मैंने ये खसखस का दाना भी इसमें थोड़ा सा भून लेती हूँ घी में, खसखस का दाना। तो मैंने ये खसखस का दाना भी इसमें देखिए इसका हल्का
भून ले रही हूँ। खसखस का दाना ज़्यादा ना डालें क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही खराब हो जाएगी। ये खसखस का दाना देखिए कम से कम 100 ग्राम आदि आपके पास धनिया पाउडर है तो उसमें 25 ग्राम आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये खसखस का दाना अच्छी तरह से इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको भून ली है। ये मैंने इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही थोड़े सा है। तो मैंने ये खसखस का दाना भी तैयार कर लिया है। अब ये देखिए मेरे धनिया पाउडर है तो इसको भी मैं घी देखिए अभी इसको मैंने ये घी और इसको फिर से मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। देखिए ये आप भी इसको डालो। देखिए ये कृष्ण भगवान का चूर्ण में क्या स्वादिष्ट है और कितना टेस्ट है पाउडर है। देखिए इस तरह से मैंने धनिया पाउडर को रोन आपको दिखाई थी तो इसको मैंने ये घी में देखिए इस तरह से डाल ले रही हूँ। और इसको एकदम कम फ्लेम पर आपको धीमा धीमा भूनना है क्योंकि ये पाउडर है तो तुरंत ही आपको जल जाएगी। अभी जल जाएगी धनिया पाउडर तो आपको टेस्ट नहीं लगेगी खाने में तो कृष्ण भगवान भी आपसे रूठ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से भून रही हूँ। देखिए कितना सुंदर और कितना ही बढ़िया तरीका से मैं चूर्ण बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए तो गैज ये भी देखिए टिक गई है मेरा शुगर। तो आपको मैं फिर दिखा रही हूँ ठंडे करके इसको। तो गैज देखिए मैंने ये चूर्ण तो अच्छी तरह से भून ली है और इसमें मैं अभी ठंडे हो रही है इसको मैं ठंडा कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि इसमें अभी गर्म मैंने अगर इसमें चीनी पाउडर डालूंगी तो बिल्कुल ये चिपक जाएगी और ये ढेले बन जाएंगे। तो ये ठंडा होगी ना तो इसमें मैं सारा मिक्स करूंगी तो फिर आपको मैं दिखा रही हूँ कि चूरन किस तरह से आपको तैयार हो जाएगी। तो गाइस देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुकी है और इसमें मैं अब दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने काजू जो मैंने इसको बारीक से काट ली है तो ये काजू मैंने इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए कुछ बादाम है, पिस्ता बादाम का दाना भी डाल दी है। ये देखिए किशमिश है तो किशमिश भी मैंने डाल दी है। और ये देखिए मेरे खसखस का दाना है तो मैंने इसको दाना को भी इसमें मिला दी हूँ। और ये देखिए इस तरह से अब मिला रही हूँ। और ये देखिए मैं इसमें चीनी का बूरा आवश्यकता अनुसार इसमें मिला दो क्योंकि ज़्यादा मीठा भी पसंद नहीं है आदमी को, कम ही मीठा पसंद आती है गाइस। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सारा मिला रही हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हो चुका है मेरा खाटू श्याम बाबा का प्रसाद। और मैं अब भोग लगाने चली खाटू श्याम बाबा का प्रसाद। ये देखिए बिल्कुल एकदम बहुत ही टेस्ट और बहुत ही बेस्ट एकदम बन चुका है प्रसाद। मैंने तो घी में बनाई है तो मैंने भोग भी आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये खाटू श्याम बाबा का प्रसाद है। देखिए इस तरह से मैंने आपको प्रसाद बनाई है तो दिखा रही हूँ। और ये देखिए मैं आपको इसमें स्टोव कर दूँ। तो बस देखिए ये मेरे प्रसाद तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। और ये देखिए मैं आपको अब दिखा रही हूँ पूरा ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ। और इस तरह से मैंने तुलसी पत्ता भी लगा दी हूँ और फाइनल लुक मैंने देखिए इस तरह से चारों तरफ मैंने दिखा रही हूँ लगा दी हूँ। और यदि ये मेरी रेसिपी पसंद आए और भगवान कृष्ण भगवान का प्रसाद आदि पसंद आए तो मेरी वीडियो को देखना ना भूलेगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, पर ये नोटिफिकेशन जहाँ तक हो वहाँ तक आप जरूर बढ़ाने का कोशिश करिएगा गाइस। बाय बाय।